और अनूपगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, सीमा पार से आई 15 करोड़ की हेरोइन जब्त हुई है। बीएसएफ और समेजा कोठी पुलिस ने बरामद की हेरोइन, एक प्लास्टिक के बैग से 3 किलो हेरोइन बरामद की गई है। ये बड़ी खबर अनूपगढ़ से आप तक पहुंचा रही है। सीमा पार से 15 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है। बीएसएफ और समेजा कोठी पुलिस ने हेरोइन बरामद की है, एक प्लास्टिक के बैग से 3 किलो हेरोइन बरामद हुई है। संवाददाता कुलदीप गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। कुलदीप, ये बड़ी सफलता पुलिस की टीम और बीएसएफ की टीम को हाथ लगी है, कैसे इस मामले का खुलासा हुआ, क्या कुछ अपडेट है, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, ये बीती रात का मामला है, जब एक ग्रामीण की सूचना के ऊपर बीएसएफ और पुलिस है जो मौके पर पहुंचे। समेजा कोठी थाना क्षेत्र है, पाक सीमा के नजदीक है। वहां पर 48 और 44 पीएस गांव के मध्य एक खेत के अंदर एक पीले रंग के पैकेट है, वो बरामद हुई है। 3 किलो हीरोइन का वजन है और 15 करोड़ रुपए इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन के माध्यम से हीरोइन ड्रॉप की जाती है, ये वही हीरोइन है। और आपको ये भी बता दें कि 2 दिन पहले समेजा इसी थाना क्षेत्र से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। ये वही तस्कर थे जो पाकिस्तानी तस्करों से संपर्क करके उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए यहाँ के लोकेशन भेजते थे और उसके बाद में जो हीरोइन की खेप है वो फेंकी जाती थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारियों के लिए।